तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष 0.5 टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां 0.5 टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़कर के काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ऐसा के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है, माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सदगुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था, गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था। सब कहते थे देखिए किसी ने पत्थर रखा, कहां से पत्थर आया है, दे समझते नहीं वगैरह। लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहां युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से
मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोके। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को मनुष्य को हेल्थ कार्ड देना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर